आदाब। इस वीडियो में हम पैमाइश के पैमाने, वज़न, हजम और लंबाई के तस्वूर को समझेंगे। NCERT के मजोज़ा पहली ता पांचवी जमात के लिए पैमाइश के तस्वूर से मुतालिक सीखने के मौजूआत से हम वाकिफ हैं। तीसरी जमात तक बच्चे अलामती और गैर अलामती पैमाइश की इकाइयों से वाकिफ होते हैं। आगे की जमातों में अलामती इकाइयों को सीखते हैं, इनकी अलग अलग किस्म की तब्दीलियां, इनके नापने की इकाइयां सेंटीमीटर, मीटर, लीटर, मिलीलीटर, केजी, ग्राम, ये और इस तरह के कई नए अल्फाज के साथ वो नापने की इकाइयों के साथ नापते हैं। इस तस्वुर को बच्चों को अगर सिखाना हो तो असातेजा चंद अहम पहलुओं को अपने जहन में रखें। इनमें सबसे अहम अलामती और गैर अलामती नापने की इकाइयां कौन कौन सी हैं और इनके दरमियान क्या फ़र्क है? अलामती इकाइयां किसको कहते हैं? हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जिनको इस्तेमाल करते हैं, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर और लीटर, मिलीलीटर, इस तरह की इकाइयां को अलामती कहते हैं। गैर अलामती इकाइयां कौन सी हैं? सिर, पाँव, बालिश्त, बाम, इस तरह की अलग अलग इकाइयों को गैर अलामती इकाइयां कहते हैं। इनके दरमियान फ़र्क क्या है, ये असातेजा बच्चों को सबसे पहले बताएं। दूसरी बात, हजम और वज़न के दरमियान जो फ़र्क है वो, हजम को हम माए, हजम की जगह यानी स्पेस के लिए और वज़न उसको कुल वज़न मालूम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये बहुत उसूली बात होने के बावजूद बच्चों को इन दोनों के दरमियान के फ़र्क को वाज़े करना ज़रूरी होता है। इसी तरह एक और अहम बात जो हमें याद रखनी है वो ये कि पैमाइश के अलग अलग इकाइयों की तब्दीली कैसे की जाए। हम नापने के अलग अलग इकाइयों का तारुफ कराते हैं, जैसे लंबाई नापते हुए मीटर, सेंटीमीटर और किलोमीटर का तारुफ करवाते हैं। इनके दरमियान का ताल्लुक क्या है, इनको हम कैसे तब्दील करते हैं, इसका तसव्वुर बच्चों को समझाना होता है। और ये एक हुनर से मुतालिक तसव्वुर होने की वजह से उसको हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए इसको हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी की मिसालों से अगर समझाएंगे तो बच्चों को ये तसव्वुरात अच्छी तरह समझ में आएंगे। इससे बच्चे इस तसव्वुर में गलतियां भी नहीं करेंगे।